सिचुएशन आती है मुझे उस समय याद है ये ज्ञान है कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं मुझे ज्ञान याद है लेट से आई आई यू नो नो ठीक है दैट आई द सोल इज प्लेइंग दिस रोल एक्सपेक्टेड रिजल्ट इस ज्ञान का ये होना चाहिए कि मेरे इमोशंस चेंज ना हो अब जब मुझे ज्ञान याद है मैं देख रही हूँ और अब उसका रिजल्ट ये होना चाहिए कि आत्म अभिमानी स्थिति में मेरे इमोशंस चेंज नहीं होने चाहिए बट फिर भी अगर मन में ट्रेसेस आ रहे हैं तो इसको कैसे अप करें और क्या आपके साथ भी ऐसा होता है एवरी वन वॉन्ट्स टू नो क्या आपको भी यू uh, नो you know, ऐसे आते हैं डू यू फील और अगर हाँ तो आप उसको कैसे टैकल करते हो

और हाँ। अगर होता है तो आप उसको कैसे टैकल करते हैं बिल्कुल बाबा क्या कहते हैं माया कब तक आएगी <laughs> माया कब तक आएगी <laughs> माया अंत तक आएगी <laughs> अंत तक आएगी तो किसने कहा नहीं होना चाहिए फील हमारा ही मन अपने आप से डिसकंटेंट रहता है राइट माया तो एंड तक आने वाली है माया मतलब क्या स्क्रिप्टेड थॉट्स, स्क्रिप्टेड फीलिंग्स स्क्रिप्टेड इमोशंस स्क्रिप्टेड मेमोरीज स्क्रिप्टेड संस्कार जो आत्मा के अंदर इटर्नली भरे हुए हैं संगम युग एक ऐसा टाइम है जब ये सारे संस्कार अब सामने आने वाले हैं है ना सारे द्वापर त्रेता कलयुग सत्युग ये सारे संस्कार आत्मा के सामने आने वाले हैं संगमयुग का मीनिंग ये है हुँ? कुछ हमारे मेन मेन जो बाबा के जो फंडामेंटल ट्रूथस है ना वो क्लियर होना जरूरी है संगम युग का मीनिंग क्या है आत्मा और परमात्मा का मिलन का मीनिंग क्या है कि परमात्मा के साथ जब मैं आत्मा कनेक्ट होंगी तो मुझे अपने अंदर की एक एक छोटा सा दाग दिखने वाला है आत्मा और परमात्मा का मीनिंग ये नहीं है ओ परमात्मा मिल गया बस अब आनंद आनंद भी है अति इंद्रिय आनंद मीनिंग मन बुद्धि संस्कार और इंद्रियों से परे का आनंद है ना तो मन चाहे कोई भी फीलिंग क्रिएट कर ले पुराना मन अभी कुछ दिन पहले बाबा ने बोला था ओल्ड माइंड हम्म ओल्ड माइंड में चाहे पुराने संस्कारों वश कोई भी फीलिंग्स आ जाए कोई भी थॉट्स आ जाए कोई भी इमोशंस आ जाए कुछ भी आ जाए मैं कौन हूं संगम में बाबा के साथ उस एप्सल्यूट सत्य में बैठकर बाबा की कोख में हम बोलते हैं इसको बैठकर मतलब एकदम टाइमलेस चेंजलेस स्टोरीलेस स्थिति में बाबा के साथ एक माँ होती है ना जब प्रेग्नेंट होती है ना तो बच्चा हमेशा माँ की पर्सनालिटी uh, से इंफ्लुएंस होता है राइट right? कोख में ट्रू तो मैं आत्मा अगर परमात्मा की कोख में हूं तो मैं किसकी पर्सनालिटी से इंफ्लुएंस होंगी परमात्मा की पर्सनालिटी। और परमात्मा तो मुझे कह रहे हैं बच्ची तू मेरे साथ कनेक्ट होगी तो सुप्रीम लाइट के साथ तू अपनी भी सुप्री मास्टर सुप्रीम लाइट स्थिति को पहचानेगी और तुझे एक एक दाग क्लियरली दिखेगा जो पहले दिख नहीं रहा था मैं उसका स्वरूप थी अब स्वरूप नहीं अब तू साक्षी होकर देखेगी तो तू बिल्कुल अलग हो जाएगी उनसे, उनसे और जैसे-जैसे मैं जैसे मैं अलग होंगी, मैं उनसे अपनी पहचान नहीं बनाऊंगी वो धीरे धीरे मर्ज होते जाएंगे। तो डिस्कंफर्ट इन माइंड इज नॉट अ प्रॉब्लम डिसकंफर्ट इन इमोशन इन बॉडी इज नॉट अ प्रॉब्लम मैं एक रस कब रहूंगी इसीलिए हम दिन में चाहे दस बार दस दिन एक दिन में दस जनों से मिलते हैं मेरा अटेंशन अंतर्मुखता में मेरी स्थिति बाबा की गोद और उसमें इंटरेक्शन में मेरे मन के अंदर अगर कोई सामने वाले के पार्ट को देखकर या कोई पुरानी बात को लेकर कोई भी रिएक्शन आ रहा है मेरा अटेंशन में उसको क्या जवाब दूं उस पर नहीं है मुझे आत्मा का टेंशन है कि मैं एकदम अपनी उस प्योरेस्ट बाबा की जो फीलिंग है मेरी सुप्रीम मदर की जो फीलिंग है उसमें एकदम इमर्स्ड होकर मैं उस जो अंदर जो आ रहा है बबलअप हो रहा है पुराना संस्कार पुरानी थॉट सोचने का तरीका वो ऊपर आ रहा है मैं उससे मिक्स ना हूँ ताकि फिर बाबा को जो जवाब देना है जो उसकी प्योरिटी से उसके पावर से जो क्योंकि मैं उससे मिक्स नहीं हो रही हूं तो अब जो जवाब निकलेगा या नहीं निकलेगा हमें नहीं पता पर जो भी होगा आंसर या नहीं होगा वो एकदम प्योर फीलिंग से भरपूर होगा तो लाइफ ऑफ अंतर्मुखता ये मीनिंग है इसका तो इमोशंस तो आएंगे पर मैं उनसे एक नहीं होंगी मैं एब्सोल्यूट ट्रूथ आत्मा माइंड की डुअलिटी से कंबाइन नहीं होंगी पर परमात्मा की एब्सोल्यूटनेस से कंबाइंड रह कर फिर मैं एक्शन में आऊंगी चाहे वो बोलने का है चाहे चलने का है चाहे कर्म करने का है हाथों से इट डजेंट मैटर तो आप देखेंगे कि मेरा जो व्यवहार है उन दसों आत्माओं से एक समान होगा ये नहीं मैं नेबर से बात कर रही तो अलग बॉस से बात कर रही हूँ तो अलग घर में बच्चों से बात कर रही हूँ तो अलग ये नहीं होगा फिर बिकॉज माई एंटायर अटेंशन इज ऑन एम आई विद बाबा उसकी कोख मतलब उसकी फीलिंग ही बस मेरी ट्रू फीलिंग है अगर मन में गुस्सा आ भी रहा है सुखे तो खे पुराना संस्कार बाबा के साथ क्लियरली दिखता है सुप्रीम लाइट के साथ पुराना संस्कार कुछ ट्रूथ नहीं रियलिटी क्या है बाबा की फीलिंग है वो रियल शांति जिसमें मन की शांति अशांति साक्षी होके दिख सके वो है रियल साइलेंस ऑफ द सोल माइंड का मंत्र मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं शांति दैट इज जस्ट अ मंत्र ऑफ द माइंड विच इज ट्राइंग टू बी पीसफुल यू कैन नॉट ट्राई टू बी पीस यू कैन बी पीस एज यू आर है ना आई होप द दीदी बट प्रैक्टिस की है मैंने और प्रैक्टिस के बाद मैंने ये पाया है कि थोड़ा सा, थोड़ा सा सा डिफिकल्ट अभी ठीक है है इस रोल में लगता है. कैसे लगता है अगर कुछ ऐसा फील होता है जो फील नहीं होना चाहिए तो बहुत अंदर में ऐसा हो रहा ऐसा फील होता है कि क्यों फील हो रहा है वाई आर माई फीलिंग इरिटेशन सी अपने ही रोल से लेकर दैट यू नो दैट आई हैव सर्टेन अबाउट वन और अगर अच्छा फील होता है तो उस फीलिंग से भी यू नो डिटैचमेंट कैसे दैट यू नो वाई आर माई फीलिंग नाउ वेरी गुड बिकॉज समवेयर आई एम टेकिंग फ्रॉम द सीन फ्रॉम द रोल फ्रॉम द करम यू you नो know, मुझे वो अः uh, मैं ले रही हूँ ले रही हूँ मतलब मुझे खुशी हो रही है अब मुझे खुशी खुश नहीं होना आई 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 डोंट डोंट टू 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 बी 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 हैप्पी हैप्पी मतलब अगेन साक्षी आई टू बी डिटेच फ्रॉम दैट एक्सपीरियंस दैट ओके तो ये दोनों में मैंने ये फील किया है इस रोल ने कि uh, वो मिक्स होता है तो वो साक्षीपन इतना क्लियरली नहीं हो पाता हम्म एंड दैट्स ओके यू नो शुरू शुरू में हो सकता है जैसे बाबा एक मट्रूश का डॉल्स का एग्जाम्पल देते हैं है ना मान लीजिए टेन लेयर्स हैं एक डॉल के अंदर एक डॉल के अंदर एक डॉल के अंदर एक डॉल है ना अब जो मट्रूश का डॉल्स हैं बाबा हमें कह रहे हैं कि तुम मान लीजिए दस लेयर्स हैं उस मट्रूश का डॉल की उसमें से आप फर्स्ट फाइव लेयर्स जो थॉट्स और फीलिंग्स और इमोशंस की उससे तो आप डिटैच हो गए हम्म पर अभी तक जो पीछे फाइव के पीछे जो फाइव दूसरे थॉट्स फीलिंग्स और इमोशंस है अभी तक आप उससे डिटैच नहीं हुए हो आपके लिए अभी तक ये जो फिफ्थ लेयर है ना वो आपका रेफरेंस पॉइंट है ऑफ हु एम आई आत्मा क्या करती ना आत्मा सिर्फ शरीर का चोला नहीं पहनती है आत्मा सुक्ष्म संकल्पों का फीलिंग्स का इमोशंस का मेमोरीज का ये भी चोला पहनती है है ना तो अगर मैंने फिफ्थ लेयर पे खड़े होकर फर्स्ट फोर को तो देख लिया तो ठीक है पर बाकी भी तो है पीछे लास्ट फोर जो आप आत्मा अभी तक आइडेंटिफाइड हो राइट तो मुझे अगर साक्षीपन का अभ्यास अगर शब्द यूज करना है तो नहीं तो अटेंशन अटेंशन कौन रख सकता है फिफ्थ लेयर पे वो कॉस्ट्यूम पहनकर मैं आत्मा साक्षी होंगी या जीरो स्टेट से साक्षी जीरो स्टेट मतलब जहां बाबा है वो मेरा रेफरेंस पॉइंट है इसीलिए तो परमात्मा आकर हमें अपना इंट्रोडक्शन देते हैं ताकि मुझे पता चले मैं कौन हूं तो गॉड इज लाइट और लाइट के अंदर बाबा ने कहा है 84 फोर जन्मों के पार्ट्स हैं उन पार्ट्स में अच्छा बुरा डेटी एंड डेवल दोनों हैं आत्मा के अंदर दोनों तरह के संस्कार हैं दोनों तरह के संकल्प आएंगे अच्छे और बुरे गुड एंड बैड दोनों आएंगे सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल आत्मा के लिए स्पिरिचुअल आइडेंटिटी है है ना क्योंकि स्पिरिचुअल आइडेंटिटी की अपनी एक एक्सपेक्टेशन होती है जो आपने बोला ना आई हैव सर्टेन स्टैंडर्ड है ना तो वो है एक वेरी ब्यूटिफुल बिकॉज दिस इज समथिंग दैट रियली नीड्स टू बी सीन मोस्टली आत्मा जनरली बहुत शूद्र संस्कारों में नहीं फंसती है स्पिरिचुअल आइडेंटिटी में फंसती है शूद्र संस्कार दिख रहा है मान लीजिए कोई संस्कार आया जेलसी का अभी बाबा ने थोड़े टाइम से जेलसी के बारे में काफी बोला है कि मन में आई जेलसी उस किसी और के प्रति पाठ में हाँ कि मेरा आइडिया और उसने ले लिया मैंने काम किया और सारा प्रेज उसको गया ये थॉट है दिस नथिंग रॉन्ग विद ये पुराना संस्कार है जो मुझ जीरो स्टेट आत्मा में हूँ बाबा की गोद में बैठी हूँ उसके सामने ये संस्कार संकल्प के रूप में आया है सुखे okay. पर ये यहाँ रुकता नहीं है ये संस्कार के जब संकल्प के रूप में आता है एक और संस्कार के साथ संकल्प आता है आई शुड नॉट बी फील इंग दिस वे हम्म ये सेकेंड संकल्प आ रहा है मुझे ऐसा फील नहीं करना चाहिए ये गलत है अनुभव ये जेलसी का अनुभव गलत राइट right? फिर आई थिंक इट्स आस्किंग मी ओके तो ये गलत है ये नहीं आना चाहिए ये है दूसरा संकल्प की लेयर जो आत्मा फिर पहन लेती है हम्म पहले तो पहला पहना मैं जेलस हूं फिर दूसरा पहना वस्त्र सूक्ष्म वस्त्र आत्मा ने पहना मुझे जेलस नहीं होना चाहिए फिर तीसरा वस्त्र पहनती है आत्मा अब मैं कौन सा ज्ञान का पॉइंट लगाऊं ताकि मैं इस जेलसी से बाहर आ सकूं ये अच्छा नहीं लग रहा है बहुत डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है राइट ये पहना तीसरा चौथा वस्त्र आत्मा ने एक एक वस्त्र सूक्ष्म ये पहनती जा रही है आत्मा आत्मा अब अपना मन ही बन गई हम्म मन ने टेक ओवर कर लिया मन का बंधन हो गया पूरा अब मन रूल कर रहा है आत्मा को आत्मा तो सो गई है बिल्कुल ही है ना अब वो संकल्प आपस में लड़ेंगे अब मैं कभी इस संकल्प से अपनी पहचान बनाती हूं कभी इस संकल्प से अपनी पहचान बनाती हूं कभी इस संकल्प से तो ये संकल्प का रूप बन के ये संकल्प से लड़ती हूं ये संकल्प का रूप बन के ये संकल्प से लड़ती हूँ आई एम लिविंग अ लाइफ ऑफ बैटलिंग है ना पर आत्मा जो जीरो स्टेट से साक्षी है वो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा दस के दस संकल्पों को देख सकती है एक इमेजनरी तो था तो मैं रीनी हूं भी तो मुझे सिखाया गया है ना ये एक थॉट मैं रीनी हूँ मुझे नाम दिया गया शरीर को बॉडी को नाम दिया गया तो मैंने सोचा मैं बॉडी हूँ फिर सबने कहा ये रीनी है रीनी है रीनी है रीनी, है, रीनी ऐसी है, रीनी वैसी है. तो मैंने सोचा हाँ अच्छा मैं री मैं ये बॉडी भी हूं पर मैं ये रीनी नाम जो बोल रहे ना बार बार वो पर्सनैलिटी बता रहे हैं वो भी मैं हूँ तो ये सारे संकल्प मिलकर जैसे एक पर्सनैलिटी बन गई और आज आत्मा इसी पर्सनैलिटी में इन्हीं संकल्पों में इसी में सबसे स्पिरिचुअल आइडेंटिटी में सबसे ज्यादा फंसी हुई है इसलिए उससे निकलने का एक ही तरीका है मैं निरसंकल्प आत्मा हूं बाबा समान असोचता अकर्ता अभोक्ता, बॉडी लेस बॉडीलेस, स्टोरी लेस ईगोलेस स्टोरी लेस मीन्स ईगोलेस मुझ आत्मा की कोई कहानी नहीं है तो मेरे पास संकल्प ही कहा होंगे जब बॉडी ही नहीं है तो, तो अपने उस अनादि स्वरूप में बार बार स्थित होकर ईगो को भी अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि क्यों ये नॉन एग्जिस्टेंट है मुझ आत्मा ने ही एक एक संकल्प को जब मैंने जलसी का वस्त्र पहना तो जलसी की गुड़िया बन गई फिर उसको रिजेक्ट करने का वस्त्र पहना तो जलसी को रिजेक्ट करने वाली गुड़िया बन गई फिर उसको ठीक करने का वस्त्र पहना तो जलसी को फिक्स करने वाली गुड़िया बन गई इस तरीके से मैंने मेरे अंदर एक गुड़िया नहीं है मेरे अंदर कई गुड़ियां बैठी हैं यहां जो आपस में लड़ती रहती है है ना और मैं ये नहीं हूं मैं आत्मा मेरे अंदर हाँ ऋणी के अंदर नहीं और शरीर के अंदर नहीं मुझ आत्मा के अंदर ये खेल चल रहा है तो इसलिए साक्षी मीन्स सीन फ्रॉम वेयर बाबा सीज वेरी ब्यूटिफुल एंड वेरी वेरी लिबरेटिंग बट अपने अनुभव से बताऊंगी जैसे दीदी ने कहा आपको रोज 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 उसको करना पड़ेगा प्रैक्टिस तो वो और ज्यादा पक्का होता जाएगा बट इट्स वेरी लिबरेटिंग दीदी थैंक यू सो मच